आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हाँ मैम, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं छत्तीसगढ़ साजर से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जी सुरेश कुमार साहू। जी सुरेश जी, सवाल आपका। जी मैम, मैं मेरे पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है। मैं लेटरिंग करता हूँ, बहुत ज़्यादा खून जाता है। जी एज क्या है आपकी? 41 वर्ष। अच्छा देखिए, ये इन्फेक्शन नहीं होता, और इन्फेक्शन में खून नहीं जाता, बल्कि इन्फेक्शन में तकलीफ रहती है। और ये एक रोग है, और इसमें हमारी एक आंत में ज़ख़म हो जाता है। ऐसे आदमी को बहुत एहतियात से खाना पीना चाहिए, जो भी आसानी से हजम हो वो खाना चाहिए। और देखिए, एक बड़ा अच्छा नुस्खा है इसके लिए, अगर आप खुद बना सकें तो बहुत अच्छा है। और वो ये है कि ये जो कत्था आता है, कत्था सूखा हुआ आता है, जिसे पान पे पनवाड़ी लगाता है कत्था, ये 100 ग्राम कत्था, 100 ग्राम लाजवंती, ये दवाओं के नाम है, 100 ग्राम रसवंती और 100 ग्राम गौंद मोरिंगा, ये 4 चीज़ें 100-100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं, और फिर इसकी गोलियां बन जाएंगी, मटर के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर ऐसी गोलियां बना लें, और हर खाने से पहले एक गोली खाया करें, पानी से या दूध से। और काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी बाला देवी जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहां से बात कर रही हैं? नमस्ते मैम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूं। हाँ जी, प्रश्न आपका। मैम मेरे बेटा है 23 साल का, उसके चेहरे पे थोड़ा लाल लाल हो जाता है और खुजली भी होती है। मैं दवाई बहुत खा रही हूँ, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता। जी जी जी। अच्छा देखिए, बेटे को एक नमक आता है, कलौंजी का नमक आता है, एक नमक कलौंजी कहते हैं आसान लैंग्वेज में, और उसे रसायन कलौंजी भी कहते हैं, या एस्टेक कलौंजी इंग्लिश में कहते हैं, लिख लीजिए आप नमक कलौंजी। ये 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम पानी में मिलाकर उसको पिला दिया करें, आपके बच्चे का ठीक होना मुमकिन है। जी प्रेम दीक्षित जी हैं कानपुर से हमारे साथ, स्वागत है प्रेम जी। जी मैडम बोला जी, आपका प्रश्न है? जी प्रश्न जी, मेरे कंधे में सूजन आ रही है, दर्द काफी दिन से। प्रेम जी दर्द होता है? दर्द नहीं होता है। तो सूजन क्यों कह रहे हैं आप, नजर आती है सूजन? ये मतलब जो है हल्की हल्की सूजन आ रही है, काफी दिन से चल रही है, मांस सा बढ़ता जा रहा है, इकट्ठे हो रहा है मांस कंधे के ऊपर। ठीक है। अच्छा देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, चर्बी की चीज़ें छोड़ दीजिए, एनिमल फैट छोड़ दीजिए। जो भी एनिमल फैट में आता है, घी, दूध, मक्खन और मीट, ये खाते हो तो छोड़ दीजिए। और एक सिरका आता है जिसको कहते हैं एलोवेरा का सिरका, सिरका एलोवेरा या एलोवेरा का सिरका, 3 चम्मच रोज़ाना पिया करिए, पानी मिला कर रात को सोते समय, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। तो देखिए, आपकी परेशानी का एक छोटा सा उपचार, ये छोटे से नुस्खे जो आपको जल्द से जल्द अपनाने हैं। दर्शकों देखिए, कोई भी रॉ मटेरियल मिलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या फिर आपको मार्केट में नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपके पास पहुँचने में थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ता है, लेकिन असली प्योर मटीरियल ही आप लोगों तक दर्शकों पहुँचाया जाता है। देखिए नकलचियों से सावधान रहें, क्योंकि बहुत ज्यादा नकल रॉ मटेरियल की जा रही है, तो असली नकली में पहचान जरूर कर लीजिएगा। और लगातार हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक ये भी पहुंचाते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल कैसे दिखता है,
कैसा उसका स्वाद होता है, तो हर एक बात का ख्याल रख के ही आपको रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है और सही जगह से ही आपको लेना है, क्योंकि सही जगह से लेंगे तो आपको जल्द से जल्द फायदा होगा। बाकी दर्शकों, कोई भी क्वेरी करनी है आप लोगों को, निसंकोच आप लोग हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी। बाकी रोग संबंधी कोई प्रश्न है, कोई भी नुस्खा आप लोग जानना चाहते हैं, आपके लिए, आपके नाते रिश्तेदारों के लिए, परिवार में कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है, बिस्तर पे वो बिल्कुल रुक चुका है, उठने की हिम्मत नहीं होती है, आप लोगों पे वो डिपेंड हो चुका है, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। और जिन लोगों को ऑपरेशन के लिए कह दिया गया है, उन सभी से तो कहना चाहूँगी कि ऑपरेशन की नौबत बिल्कुल मत आने दीजिए, एक बार आप लोग हमसे जुड़िए, क्योंकि लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब, जिनसे आप लाइव बात कर सकते हैं, फोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। बात की जाए हकीम साहब, अगर रॉ मटेरियल को लेके, तो हम खुद भी ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दर्शक जो हैं परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमें तो रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है, हम कैसे इसकी जाँच करें, लेकिन मिलेगा कहाँ से, ये रॉ मटेरियल मिलने में इतनी परेशानी क्यों होती है? देखिए, रॉ मटेरियल जो लोग रखते हैं वो कच्ची दवाओं वाले रखते हैं, तो गली मोहल्लों में जो होते हैं वो बहुत छोटे दुकानदार होते हैं, और वो 150 रुपए वाली चीज़ तो रखते हैं जी, लेकिन वो 2-4 हज़ार रुपये किलो वाली चीज़ नहीं रखते, क्योंकि डिमांड नहीं होती। अगर ये डिमांड करने लगे तो वो लोग रखने भी रखते हैं, दुकान पर सिर्फ वही चीज़ बिकती है जिसकी ग्राहक डिमांड करता है। तो कोई दवा खाने वाला कोई दुकानदार ये भी होता है कि बेईमान होता है, वो चाहता है कि जो चीज़ 10 हज़ार रुपये किलो मिलती है वो 100 रुपये किलो वाली नकली वाली ले ला के वो पैसे कमाए। तो इस नियत समझना ज़रूरी है, असली रॉ मटेरियल लेने के लिए थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर असली 100 ग्राम भी मिल गया तो आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। चलिए बात करते हैं एक और कॉलर से, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वृंदावन से हैं मयंक जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ सर, हमारी मम्मी को किडनी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डायलिसिस उनका चल रहा है, तो उसके लिए दवाई पूछनी थी हकीम साहब से। कितनी बार डायलिसिस होता है एक हफ्ते में? अभी सर 10 दिन में, 12 दिन में एक बार हो रहा है, उससे पहले ये 6 साल पहले हुई थी, फिर 6 साल से मेरी दवाइयाँ चल रही थी, तो फिर क्या कहते हैं उसके बाद फिर डायलिसिस नहीं हुई, लेकिन अभी कोविड हो गया था उसके बाद दवाइयाँ शुरू हुई, तो फिर दोबारा डायलिसिस कराना पड़ रहा है। देखिए, आपकी मम्मी की हालत ऐसी है कि वो ठीक भी हो सकती है अच्छी तरह से। हाँ सर, तो देखिए एक एक दवा आती है कैप्सूल, एक दवा आती है कैप्सूल पी केयर, पी फोर पटना कैप्सूल पी केयर, ये किडनी वालों के लिए, ये किडनी वालों के लिए अमृत है। सुबह शाम खाने से पहले भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं, और जब डायलिसिस की पुरानी रिपोर्ट अपने पास रखें और नई रिपोर्ट भी कराएं, जब ये शुरू हो जाए आपको अच्छा लगेगा कि उनकी क्रिएटिनिन एकदम नीचे आने लगी, और कुछ दिनों में ही वो इससे निजात भी पा सकते हैं। लेकिन इनकी किडनीज की गंदगी पर हमेशा नज़र रखनी पड़ेगी, यानी क्रिएटिनिन पर, और बहुत ऐसे ही ख्याल रखिए अपनी मम्मी का, आपकी मम्मी का ठीक होना मुमकिन है जी। बिहार से हैं श्याम नारायण हमारे साथ, स्वागत है आपका। ऐसा है कि कमर में दर्द है बहुत ज्यादा। कब से दर्द है ये? 8-10 साल से। कमर दर्द के मैं दो चीज़ें मैं बताता हूँ अक्सर, एक तो ये कि अगर गोंद स्याह मिल जाए, असली बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो आधा ग्राम सुबह शाम खाने के बाद पानी से, जूस से या बगैर चर्बी के दूध से खाना चाहिए 2 बार जी। और 100 ग्राम मिल गया तो आपको फ़ायदा मुमकिन है, और नहीं मिले असली लेना है, नहीं मिले तो आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खाने से भी आपको फ़ायदा मुमकिन है।
चलिए तो फ़ायदा उठाइएगा, नुस्खे अपना लीजिएगा। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम सुनीता। जी सवाल आपका? मेरा सवाल हकीर साहब से बात करनी है मैंने। जी जी सुनीता बताइए, आप नाराज की मैं क्या? हाँ जी हाँ, मुझे ना बाथरूम में ना काफी गंदी आती है, बाथरूम में ऐसे चिकना चिकना आता है मेरा, और मेरा पेट भी खराब रहता है। क्या उम्र है आपकी? 45। अच्छा कब से है ये? ये 1 साल हो गया, पेट भी खराब हो जाता है बीच बीच में। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, मेथी ले लीजिए 500 ग्राम मेथी, और इसका पाउडर बना लीजिए, और वो आता है नमक कलौंजी, कलौंजी का नमक आता है एक, जो देखने में नमक जैसा होता है लेकिन स्वाद में नमक जैसा नहीं होता, ये 100 ग्राम इसमें मिलाइए, पाउडर बना लीजिए, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम से शुरू करें, खाने से पहले पानी के साथ लिया करें। तो देखिए फ़ायदा तो आपको ऐसा लगेगा कि 2-4 दिन में हो गया, लेकिन जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, जो मटेरियल में बता रहा हूँ, ये रसायन बताया है कलौंजी का नमक, यानी कलौंजी का रसायन भी कहते हैं और एस्टेक कलौंजी भी कहते हैं, ये इसमें 100 ग्राम मिलाकर पाउडर बनाए अपने हाथ से, और आधा आधा चम्मच खाना शुरू करें। ज़रूरत पड़ने पर एक एक चम्मच भी ले सकते हैं, लेकिन पहले आधा आधा चम्मच ही, छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना बेहतर है। जी असम से अगले कॉलर हैं, कमल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी कमल जी। मेरा 3 साल पहले अपेंडिक्स ऑपरेशन हो गया था। ठीक है। फिर मेरा लीवर का अब पेन रहता है। पेन रहता है लीवर में? हाँ। ठीक है। उम्र कितनी है कमल जी आपकी? 40। अच्छा देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे लीवर ज़रूर इम्प्रेस होता है, क्योंकि ऑपरेशन के बाद चाहे अपेंडिक्स का हो या कोई भी, हमें जो एंटीबायोटिक दवाएं खानी पड़ती हैं उसके नुकसानात को रोकने की हम कोई दवा नहीं खाते। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि एक दवा के बारे में, हालांकि मैं घरेलू नुस्खे बताता हूं, लेकिन मैं हर उस आदमी से जिसको बहुत दिन तक अंग्रेजी दवा खानी है या ज़िंदगी भर खानी है या ऑपरेशन हुआ है या कोई भी ऐसा परेशानी है, तो कैप्सूल पी केयर सुबह शाम खाएं ताकि हमारा लीवर अच्छा हो सके। आप भी ले सकते हैं, और हर वो आदमी जिसके दवा बन गई है ज़िंदगी, ज़िंदगी बगैर दवा के नहीं चलती, उसे 1 या 2 बार कैप्सूल पी केयर ज़रूर खाना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के दवाइयों से होने वाले नुकसानात को रोक सके। जी आगरा से हैं अमरनाथ जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। आगरा से। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, सवाल करिए। सुल्तान साहब से बात होगी? जी जी आप बोलिए, हम बोले क्या? बताइए बताइए, हम सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। सुलेमान बात कर रहा हूँ। सवाल ये है कि पेट साफ नहीं रहता है, आपने जी बताया कि गोली भेजी वो देगी सब, और पैरों में दर्द है, वो दर्द में तो दिया कि 10-5% कम हुआ तो दिया कि चलो ये वो तो हो जाएगा। ठीक है। हाँ देखिए मोहतरम, आप दर्द की गोली खा रहे हैं तो दर्द तो आपको फ़ायदा शुरू हो गया, अब पेट की गोली खाएंगे तो पेट का भी आपको फ़ायदा होगा। आप दवा खा रहे हैं दर्द की और शिकायत कर रहे हैं पेट की, तो पेट के लिए आप पी केयर ले सकते हैं, कैप्सूल पी केयर सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम हर खाने से पहले खाया करें, आपका हर तरह का पेट का प्रॉब्लम ठीक होना मुमकिन है।
तो देखिए, पेट की जो परेशानी भी है आपको और जो भी दिक्कत और ज़्यादा आप लोगों को चल रही है, दर्शकों देखिए नुस्खे आपको अपनाने होंगे। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे कॉल करते हैं और सुनकर संतोष कर लेते हैं, सुनकर संतोष करेंगे तो ये बात आप लोग समझ लीजिए कि एक रोग नहीं, ना जाने कितने रोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे ही कितने सारे व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, एक परेशानी नहीं कितनी सारी बीमारियाँ उन्हें हो जाती हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, जैसे कि हकीम साहब भी आप लोगों को बोलते हैं दर्शकों के, आप लोग 15 दिन बाद अगर आपको लगता है कि कोई ट्रीटमेंट असरदार नहीं है तो जल्द से जल्द आप यूनानी से जुड़िए, घरेलू नुस्खे अपनाइए, फिर देखिएगा कितना आप लोगों को लाभ मिलता है।